हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बी हैप्पी विद निकिता में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है लास्ट डे एट माय होम। और ये वीडियो जो है लड़कियों के लिए बेसिकली बहुत रिलेट होगी, बिकॉज जब हम अपने मायके से वापस अपने ससुराल जाते हैं तो वो जो मूवमेंट होता है ना, बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है। तो आज के इस व्लॉग में यही देखेंगे। देखते हैं आज क्या मम्मी ने पैकिंग कर दी है हमारी, हमें भेजने के लिए बिल्कुल तैयारी। हालांकि मन तो किसी का भी नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं कर रहा जाने का, उनका भी नहीं कर रहा भेजने का, बट रूल्स आर रूल्स, क्या कर सकते हैं। नियति को कोई नहीं टाल सकता, जो भगवान ने बनाई है उसे निभाना है। तो इसमें हमने जो है पैकिंग कर ली है, ये हो गई है हमारी पैकिंग। और ये मुझे लगता भी नहीं गाड़ी में सामान आएगा कैसे, बट मम्मी ने बहुत सारा सामान कर दिया है, कपड़े भी हैं, इतनी सारी शॉपिंग। ये देखो, आज हमें सिर्फ 3 दिन हुए हैं और इतनी सारी शॉपिंग। ये है मेरी दीदी के बच्चे, एक अभी जरा ऊपर वाले फ्लोर पर है। इन्होंने आते ही मुझे कहा, मौसी प्लीज आप कल चले जाना, प्लीज कल चले जाना। बट हमारी तो भैया जो एक एक डेट फिक्स हो जाती है, तो ना वो इधर हो सकती है ना वो उधर हो सकती है, बस जो डेट फिक्स हो गई उसी पे तुम्हें आना है। तो बस हम लग रहे हैं अपनी तैयारियों में। और एक चीज हमने जाते जाते फिर से कर ली है शॉपिंग, क्योंकि एक माँ का जो मन है वो भरता नहीं कि अपनी बच्चियों को वो क्या दे दे, तो उसी में हमने थोड़ी सी चलते चलते शॉपिंग कर ली है। और मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लिए हैं हमने एंड टाइम पे। हम बस यूजुअली खड़े थे और अपने भाई का मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा वो गाड़ी लेके आए तो चले। तो मम्मी का कोई जानकार है कश्मीरी सूट वाला, तो वो एकदम आ गया। हमने ये 4 पीसेस लिए हैं, एक मेरे लिए, मौसी के लिए, मेरी सिस्टर के लिए, और एक मम्मी खुद बनवाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कश्मीरी सूट है मुझे देखते इतने पसंद आए हैं, इसका अगर आप स्टफ देखेंगे ना तो देखने से आपको लगेगा कि ये कितना हैवी स्टफ है, पर ये है नहीं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये सूट है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कपड़ा जो है वो काफी आपको लगेगा कि खड़ा वूल है, बट ये खड़ा वूल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सुंदर सूट है, कश्मीरी पीस है, और ये पूरा नीचे तक जो है इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इतना मोटा इसका स्टफ है कि इसको पहनने के बाद आपको सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग सकती। तो ये कश्मीरी सूट है जो मैंने अपने लिए लिया है, ये मम्मी ने अपने लिए लिया है ब्लैक कलर का। इस पे भी पूरी पे एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पर, और ये पूरा इसका नेक बना हुआ है, और इसी तरह से ये है। और ये है फ्रेंड्स मेरी मम्मी की कलाकारी। लाइक मेरी मम्मी को बहुत शौक है क्रोशिए का, स्वेटर्स का, तो ये मम्मी ने देख देख के, और देखो कितने सुंदर ड्रेसेस बनाई है मेरे ठाकुर जी की। तो इनमें से मैं 2 लेके जाने वाली हूँ, एक मेरे ठाकुर जी की, एक मेरी भाभी के ठाकुर जी की। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ड्रेस में बिल्कुल ठाकुर जी को ठंड का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर इसके मम्मी ने बनाई है ये लीव्स, और नीचे दिया है इसका पूरा बैकग्राउंड, क्योंकि 2 तरह की होती है ना ड्रेस, के ऊपर ऊपर लीव्स बना दिया और ऊपर से सिर्फ पहनावा जो तो होता है, लेकिन इसमें मम्मी ने पूरा बेस भी दिया है, प्लस इसके साथ साथ इसमें लीव्स बनाई है। देखिए इसका कितना प्यारा ग्लो आ रहा है, मतलब खिल जाएंगे ठाकुर जी। ये हमारी जो है मम्मी ने, जब मम्मी ने बनाई तो सबको बहुत अच्छी लगी। और इसका देखिए ऊपर का कितना स्टाइलिश है, इसमें ऐसे नहीं है जैसे मतलब नॉर्मल होते हैं, इसमें मम्मी ने थोड़ा सा क्रोशिए टाइप का बनाया है। और देखकर फिर सबका मन करा हमारा भी बनाओ, हमारा भी बनाओ, तो मम्मी ने बहुत बना बना के, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पुन कमाओ इससे ही तुम भी। मैं हर मजाक कर रही थी मम्मी से, मैंने कहा तुम चार्जेस लेने शुरू कर दो, क्योंकि इतनी सुंदर ड्रेस आपको घर में मिल रही है अपने हुनर से। अगर आप बाजार में इसको खरीदने जाते हैं तो ये 150-200 से कम की बिल्कुल नहीं मिलती। तो मैं इसमें से ये 2 लेके जाने वाली हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अब बारी है हमारे घर के बच्चा पार्टी से मिलने की। जब हम घर आते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा पार्टी यहाँ होना चाहिए, बिकॉज इनके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और इतने अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल कहना मानने वाले, इतने लविंग, इतने केयरिंग, मतलब हम लोग भी आते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे हो जाते हैं कि हाय बुआ कितने दिनों बाद आ गई। तो चलिए अपने मिलते हैं अपने बच्चा पार्टी से। फ्रेंड्स हम यहाँ पे निकल गए हैं, बट मैं घर से वीडियो शूट नहीं कर पाई, मतलब बिल्कुल ऐसा मूड हो गया था कि नहीं लग रहा था कि मतलब मुझे मैं कर पाऊंगी।
बट बिना शूट करे मैं गाड़ी में बैठ के फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया है, क्योंकि Thank you.